अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। नाफ पर जाना, जिसे धरन भी कहते हैं, और उसका अपनी जगह से हिल जाना। अब उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं कि आप लोगों का वेट ज़्यादा है या कम है वेट, लेकिन आप लोग उसका बैलेंस खड़े नहीं होते हैं। मैंने आप लोगों को जो पहले एक्सरसाइजेज करवाई हैं इससे पिछली, उसमें मैंने आप लोगों को स्केलेटन बैलेंस करने का बताया है कि स्केलेटन बैलेंस नहीं होता है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। अब हमारे आप लोगों के खड़े होने का अंदाज, बैठने का अंदाज, उसकी वजह से जो सी हैं ये रीज़न बनती हैं इसके लिए, इसके मिसप्लेसमेंट होने की वजह से की वजह बनती हैं। तो अब इसके लिए आप लोगों ने इसका वक्ती तौर पे हल नहीं निकालना। मुझे अब ये सादिया आप मुझे मैसेजेस कर रही थी, लेकिन मुझे था कि शायद मैं अपनी एक्सरसाइजेज में ही इनको कंप्लीट करवा पाऊंगी, लेकिन आपके इतने ज़्यादा मैसेजेस आए कि मुझे इस पे वीडियो अलहदा से बनाना पड़ा, क्योंकि ये एक इसका सलूशन वो वक्ती तौर पे नहीं है। इसका सलूशन के लिए आप लोगों को वो प्रॉपर मेरे साथ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, इसका मैं आप लोगों को परमानेंट सलूशन दूंगी। अब जिनका वेट कम होता है, अगर खाली पेट अगर कोई वजन वाली चीज़ उठाएंगे या कोई चीज़ खींचेंगे, उससे भी वो उनका इशू आ जाएगा। तो इसकी बहुत सी रीजंस होती हैं, और जब वो ये अपनी जगह से हिल जाती है, फिर लूज मोशन वगैरह आते हैं और भूख कम लगती है, और आप लोग समझते हैं कि शायद हमारा स्टमक खराब हो गया, क्योंकि इसका डाइजेशन से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है। और जब ये और लूज मोशन वगैरह फिर आप लोगों का वो ठीक नहीं हो पाता, जब तक आप दवाई लेने से भी ठीक नहीं होगा, जब तक आपका ये इसका सलूशन नहीं निकलेगा, फिर ये अपनी जगह पे नहीं जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका वक्ती तौर पे सलूशन भी बताऊंगी कि फौरी तौर पे आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों को ये इशू बन गया है तो अगर, और इसके लिए परमानेंट क्या सलूशन है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोगों ने वो एक्सरसाइजेज अपनी डेली रूटीन में लेके आनी है और उनको अपनी एक्सरसाइजेस का हिस्सा बनाना है। जिनको ये नाफ का इशू है या नहीं है, उन्होंने भी ये, जिनको इशू है उन्होंने तो करनी ही करनी है, जिनको नहीं है इशू उन लोगों ने भी ये एक्सरसाइजेस करनी है, मस्ट इनको अपनी एक्सरसाइज में ऐड करें, इसका अपने पार्ट बनाएं अपनी एक्सरसाइज का। अब इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। हमारे ये जो नाफ होती है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगसेस पाए जा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने इसके लिए जब आप नहाते हैं तो एक, इसकी सफाई अच्छी तरह से किया करें, इस जगह को अच्छी तरह से आप लोग साफ़ किया करें। उसके अलावा आप लोगों ने डेली रात को ऑयलिंग करनी है इसकी, जो कोकोनट ऑयल है वो एंटी फंगल, एंटी वायरस वो होता है, और वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसको यानी कि अपनी नाक को अच्छी तरह से आप फिल करेंगे उसके साथ, और वो सारा आप देखेंगे, सुबह देखेंगे एब्जॉर्ब हुआ होगा वो सारा ऑयल ना, और वहाँ पर जो बैक्टीरिया या फंक्शन होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा जो उसकी स्ट्रेच वो हुई होती हैं, जो वेंस जो सी होती हैं, उसकी वजह से वो सारी नाक जो सी है अंदर खुश्की हुई होती है उसमें, ठीक है, उसकी वजह से वो बिल्कुल अकड़ी पड़ी होती है, तो उसको ज़रा ऑयलिंग हम करेंगे। आप उसकी रीज़न अब आप लोगों के साथ, उन लोगों के साथ ज़्यादा बनती है जिनकी डाइट में गुड ऑयल्स कम है। गुड ऑयल कम होने की वजह से उनकी सारी वेंस, उनकी सारी बॉडी में जो उनसे है ना, वो ड्राइनेस है उनके, तो उस ड्राइनेस की वजह से भी वो खिंचाव उनमें होता है, ठीक है, एक वजह ये भी है। तो आप लोगों ने उसकी ऑयलिंग भी करनी है, और प्लस वो एक्सरसाइजेज भी जो बताऊंगी मैं आप लोगों को, वो सारी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है। अब इसके लिए जो फौरी तौर पे हल है, उसका आपने क्या करना है कि पाँव के जो दोनों अंगूठे हैं उनको आप लोगों ने कोई पतला कपड़ा लेके उन दोनों अंगूठों को बांध लेना है, अच्छी तरह से दोनों अंगूठों को बांध के बैलेंस करके दोनों पाँव के अंगूठों को बांध लेना है, और सीधा लेट जाना है आप लोगों ने, बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है बिल्कुल यूँ इस तरह से करके, अपने जो उनसे हैं मसल्स हैं उनको बिल्कुल टाइट कर लेना है, सीधा लेट जाना है, और जितना वजन आप बर्दाश्त कर सकते हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को कहें कि वो जो उनसे है आपको आपके यहाँ पर खड़ा हो, यहाँ से वो दबाएं आपके, ठीक है, आपका 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा है, तो आप उसको सीधा लेटेंगे, वो पाँव को बांध के और यहाँ से यहाँ लेके पोर्शन तक सामने वाले से सीधा लेटेंगे आप, और यहाँ से यहाँ तक आप वो दबवाएंगे, उसे कहेंगे खड़ा होके वो दबाए बच्चा, और उससे फिर वो मसल्स जो उनसे हैं वो सारे जो खिंचाव हुआ हुआ है वो थोड़ा उनको रिलैक्स वो उससे मिलेगा, यहाँ से आपने दबवाना है। उसके बाद आप लोगों ने बांधे हुए उसके साथ ही बांध के ही दोनों अंगूठों को उल्टा लेट जाना है, और आप लोगों ने पीछे वाली साइड से ये जो सारा पोर्शन है आपका, यहाँ से पीछे कमर, ये सारा आपने दबवाना है, यानी कि मालिश नहीं करवानी, आपने दबवाना है ऊपर चढ़वा के टांगों से, वो आपके यहाँ से दबाए यूँ स्पीड के साथ, और वज़न ज़्यादा होना चाहिए, इतना कम भी ना हो वज़न, और इतना ज़्यादा भी ना हो जितना आप बर्दाश्त भी कर सकें, लेकिन थोड़ा हो जो उनको स्ट्रेच कर सके, उनकी जो उनसे वो रिलैक्स कर सके मसल्स को, ठीक है, ये आप करेंगे तो फौरी तौर पे आपको रिलैक्स उसका मिलेगा। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई हमारी वो ठिकाने पर आ गई है आपकी नाफ, उससे ये जब आप इधर हाथ लगाएंगे नाफ वाली जगह पे,
तो नीचे ऐसे लगेगा जैसे आपके दिल की धड़कन इस तरह से मूव कर रही है, एक दिल यहाँ मूव करता है तो दूसरा ये आपको यहाँ धड़कन फील होएगी, साफ पता चलेगा कि ये इस तरह से आ गई है यहाँ पर। जब आप एक्सरसाइज भी मेरे साथ सारी करेंगे, मैं आप लोगों को और ये नोवेल मेरे साथ जो वेट एक्सरसाइजेस भी करेंगे ना, तो ये आपकी जो सी नाफ है ये आपका पेट यूँ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और ये नाफ जो सी है ये अंदर को चली जाएगी, ठीक है ना। वहां पे यूं आपको बकायदा गैप नजर आएगा, वो बिल्कुल ठिकाने पे जाकर यूं अंदर को वो स्पेस हुई होगी, तो वो आप वेट एक्सरसाइजेस जब करेंगे साथ में तो वो उससे आपका ये भी इम्पैक्ट आएगा। और उससे पहले जो उनकी है ये सारी जो एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जिनको इश्यू नहीं है उन्होंने भी करनी है, ताकि उनके जो मसल्स हैं जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह पे आएं। तो इस वजह से इसका परमानेंट सोल्यूशन मांगा करें। मेरे पास परमानेंट सोल्यूशन होते हैं, वक्ती तौर पे जो टिप बता दो और ऐसे कर दो ऐसे कर दो, इन सारी चीज़ों का वो नहीं होता है सोल्यूशन, कभी वक्ती तौर पे मैं आप लोगों को बता दूँ। तो ये सारी चीज़ें ये इम्प्लीमेंट किया करें जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये ऑयलिंग भी करनी है आप लोगों ने, ये इस तरह से आप लोगों ने सीधे कर लेने हैं पाँव, अंदर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये बाजू, अब आप लोगों को पेन भी है पहले आपको करवा लें जो मैंने आपको वक्ती तौर पे कहा था, ताकि वो थोड़ी सिखाने पे आ जाएगी ना तो आप लोगों को इजी रहेगी ये एक्सरसाइजेज, लेकिन आप लोगों ने करनी है ये मस्ट एक्सरसाइजेज, इसी से ही वो परमानेंटली आपको पता भी नहीं चलेगा ये नाफ होती क्या है। अच्छा, आप लोगों ने जब ऊपर को लेके आने हैं ना बाजू, तो सांस इनहेल करना है, सांस अंदर की तरफ लेके जाना है, उसके बाद जब नीचे लेके आना है एक्सहेल करना है। इनहेल जब मैं कहती हूँ ना तो नाक के थ्रू सांस लेके जाना होता है, जब एक्सहेल कहती हूँ तो मुंह के थ्रू सांस बाहर निकालना होता है, अकड़ाना है जिस्म को, ठीक है यूं। अब ये नीचे को लेके आना है लाइटली, ये यहां से इसको टच कर लेना है और जितना आपसे झुका जाता है आपने इसको इतना झुक के, ये दुपट्टा मुझे पीछे से, ठीक है, आपने एकदम टाइट से ही लेके आना है, इसको पकड़ना है यहाँ से और स्टे करना है यहाँ पर और इनहेल एक्सहेल करते जाना है इसी पोजीशन में। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप लोग अपनी एक्सरसाइजेस करके अपने स्ट्रॉन्ग बनाए अपने मसल्स को अपने ऑर्गन्स को। इसी तरह इनहेल फिर एक्सहेल, जितना नीचे जा सकेंगे आप, ठीक है। ये अपने नी तक ले आना है अपने सर को ना, नी तक ले आना है आहिस्ता 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 करके, पहले दिन थोड़ा कम आएगा उससे दिन अगले दिन ज्यादा, उससे अगले दिन उससे ज्यादा, उससे अगले दिन उससे ज्यादा, ठीक है। एक स्टेप आप लोगों ने ये करना है, अब दूसरा स्टेप आप लोगों को बताती हूँ। इसमें आप लोगों ने ऐसे लेट जाना है सीधा और यूं टांगे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेनी, ये वाली टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, इस वाली टांग को ऊपर लेके आना है, ठीक है। यूं करके ऐसे करके ये साथ लगाना है, अपनी चेस्ट के साथ लगाना है इसको ऐसे करके, और अपनी नेक को इसको ऊपर लेके आना है, ठीक है। ये अब अंदर से ये इस एरिया के जो मसल्स होंगे वो स्ट्रेच होंगे, अपने ठिकाने पर जाएंगे। इसको यूं पहले लगा लेना, यहां से ये सारी चीज टाइट हो रही है, ठीक है। ये आपके घुटने के साथ आपकी नोज लगनी चाहिए, जितनी देर रुक सकते हैं यहां पे रुकेंगे। इसी तरह से ये दूसरी साइड पे आपने इस टांग को सीधा कर लेना है, इस वाली टांग को आपने ऊपर लेके आना है, इसको यूं साथ कर लेना है, ये सारा स्ट्रेच है, ठीक है। ये टांग भी सारी स्ट्रेच हो रही है, इधर से सारा वो हो रहा है और ये इधर से सारा स्ट्रेच हो रहा है। ये इस तरह से स्टे करके रखना है इसको, अब 10-10 टाइम आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ताकि ये स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आप लोगों ने करना है। अब तीसरा जो उनका स्टेप है उसमें ये दोनों टांगों को आपने चेस्ट के पास ले आना है, इस तरह से करके इसको ग्रिप करके ये अपना गर्दन उठा के इसके साथ लगानी है,
इनहेल एक्सहेल आप लोगों ने करते जाना है। ठीक है, इस तरह से इसके साथ आप लोगों ने अटैच करना है इसको। ये हो गया। अब चौथा स्टेप आप लोगों ने करना है, वो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन करना है। थोड़े से स्टार्ट करना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो सीधा हो जाएगा। टांगों को ऊपर करना है और ये इधर से टांगों को ऊपर करना है, इधर से ये इस एरिए को ऊपर करना है। जितनी देर रुक सकेंगे यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे इन पे स्ट्रेचिंग हो रही है। कैसे नाफ नहीं आएगी ठिकाने पे, जब यहाँ पे सारा उसको वजन देंगे हम, उसे पूरा स्ट्रेच करेंगे वो बिल्कुल ठिकाने पे फिर आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से ये फोर स्टेप आपके हो गए हैं। इन फोर स्टेप को मुझ पे बिलीव करके आप ये अपना स्टार्ट करें और इनको थोड़ा थोड़ा करके आप ट्राई करिएगा, आपसे हो जाएंगे, ये कोई इतने मुश्किल नहीं है। उसके बाद नमाज, इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग अपनी नमाज पूरे जिस तरह से पूरे रुकू सजदा पूरे उसमें जाया करें, उस वो एक तरह से आपकी थोड़ी एक्सरसाइज उसमें भी हो जाती है, नमाज में भी हो जाती है। अब आप लोगों ने जब एक्सरसाइज लिया करें तब ये जो ये वाला स्टेप बता रही हूँ बिल्कुल आपके पूरे मसल्स को रिलैक्स करेगा और ये मस्ट ऐड किया करें अपनी एक्सरसाइज में। सर को इसके साथ लगा रही हूँ, ठीक है, उसके साथ नोज को भी उसके साथ लगा के रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल करती जाए तेरे साथ। ठीक है, इस तरह से ये वाले स्टेप आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी नाफ का इशू सॉल्व हो जाएगा। इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। और मैंने कल वीडियो डाला था प्रोस्टेट पे, ठीक है, मुझे मैं जानती हूँ वो मर्दों का इशू है और मैं ये भी जानती थी कि उस पर व्यूज़ कम आएंगे क्योंकि वो मर्दों का इशू है और मेरी चैनल पर 95% औरतें हैं। तो मैंने खुद से डाला क्योंकि मैं मर्दों के इश्यूज को भी सॉल्व करना चाहती हूँ। अब 50 प्लस के बाद ये इशू आता है प्रोस्टेट का। अब जब ये चीज़ कोई बिगड़ जाए, जब कोई बीमारी ज़्यादा हद तक हो जाए, उसको सॉल्व करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, उसे रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। उससे पहले ही उसका सलूशन निकाल लिया जाए तो वो ज़्यादा आसानी आ जाती है। अब आप लोगों के हस्बैंड, बाप, बेटा, आपके जो ये रिलेटिव्स हैं, आपके ये जो मेल रिलेटिव्स हैं, आप लोग प्लीज़ उनको शेयर करें। और जिनका आप लोग समझते हैं अब्बू नहीं सुनेंगे, अब्बू नहीं इसको फॉलो करेंगे, तो आप खुद सुन के अपने अब्बू को वो चीज़ें फॉलो करवाएं जो मैंने उसमें बताया कि ये चीज़ें उन्होंने रिवर्स करनी है। वो प्लीज़ वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आदमियों के लिए और उसकी बहुत ज़रूरत थी। हालांकि इसकी वजह से मेरे चैनल के व्यूज़ और वो कम चीज़ें सारी डाउन हुई होंगी क्योंकि जब वो नहीं देखा जाता ना, उसको नहीं पता होता यूट्यूब को कि ये वीडियो अच्छा है या बुरा है। वो देखता है कि इसके जो सब्सक्राइबर हैं नहीं देख रहे हैं, इसके घर के बंदे नहीं देख रहे हैं, तो इसका वीडियो फारिग है, वो आगे भेजता ही नहीं है ये वीडियो। तो इस वजह से मैं ये सब जानती थी, मुझे सब ये पता था। तो लेकिन मैंने फिर भी किडनी का मैंने वीडियो डाला था, वो भी मेरा नहीं ज़्यादा चला। वो इसी वजह से कि आप लोग समझते हैं कि ये चीज़ हमें इशू नहीं है तो हम क्यों इसे देखें। आप लोग अपने टाइम को, इतना सा भी टाइम नहीं आप लोग देना चाह रहे होते कि हम क्यों टाइम दें एक्स्ट्रा। तो आप लोग वो किडनी का इशू भी, जो अर्थराइटस और थायराइड, जो थायराइड के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, आने वाले टाइम में उनको किडनी का इशू भी साथ में होने वाला है। ठीक है, मैं इस वजह से ये सारी चीज़ें लेके चल रही हूँ कि जो सारे ऑर्गन्स को मैं देख रही हूँ कि मैंने इनका ये ऑर्गन भी ठीक रखना है, ये भी ठीक रखना है, ये भी ठीक रखना है। और मुझे मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए काम करना है। अब यहाँ पे बच्चों के लिए भी सारी वीडियोज़ आएंगी, सब कुछ आएगा, मुझे इसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ उसे शेयर किया करें, उसे देखें, अपने रिलेटिव्स में जिनको ज़रूरत है उनके साथ वो शेयर करें, आपके हस्बैंड हैं वो सुने, उनको वो सारी चीज़ें अप्लाई करवाएं। प्लीज़ शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।